तो अब भारत के आगे बढ़ने की रफ्तार को देख डेवलप्ड देश अमेरिका की कंपनियां भी भारत में शिफ्ट होना शुरू हो गई हैं। और जो कंपनीज भारत में अपनी प्रोडक्शन यूनिट तैयार करने के लिए भारत की ओर अपने कदम को आगे बढ़ा रही हैं, ये कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं हैं, बल्कि ये वे कंपनियां हैं जिनकी पहुंच इस समय अमेरिका में काफी ज्यादा है। और आज हम बात कर रहे हैं एलन मस्क द्वारा संचालित दिग्गज ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स कंपनी टेस्ला मोटर्स की, जो कि इस समय भारत में आने की पूरी तैयारी बना चुकी है। और हाल ही में एक खबर निकल कर आई कि टेस्ला कंपनी भारत में $2 से $3 बिलियन इन्वेस्ट करके इलेक्ट्रिक कार प्रोडक्शन प्लांट सेटअप कर रही है। यानी कि देखा जाए तो अब अमेरिका की दिग्गज ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर कंपनी टेस्ला को भी इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट की वैल्यू पता चल चुकी है। और यह हमारे लिए अच्छी बात है कि टेस्ला कंपनी के भारत में नई प्रोडक्शन यूनिट तैयार करने से भारत में अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्री की नई नई टेक्नोलॉजी भी आ सकेगी और इससे मेक इन इंडिया को एक नई मजबूती मिल सकेगी। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अमेरिका जैसे डेवलप्ड देश की दिग्गज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टेस्ला भारत में एंट्री मार रही है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए एक सेकंड का काम है लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखिए, अगर आपने इस बात पर ध्यान दिया हो तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की डिमांड तेजी के साथ भारत में बढ़ रही है, और इसीलिए जो विदेशी कंपनियां भारत में पहले अपनी प्रोडक्शन यूनिट को तैयार करने से घबराती थीं, वही कंपनियां अब भारत में तेजी के साथ एंट्री मार रही हैं। और भारत में इस समय इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और ऑटोमोबाइल्स की बढ़ती डिमांड ने दुनिया के कई देशों को पीछे छोड़ दिया है, और भारत तेजी के साथ ऑटोमोबाइल मार्केट में ग्लोबल हब बनने की ओर उभर रहा है, जिससे भारत की जो इस समय ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर कंपनियां हैं वह इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और डीजल पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों की डिमांड को समयानुसार पूरी नहीं कर पा रही हैं। यानी कि भारत में डिमांड के अनुसार प्रोडक्शन ना होने के कारण मार्केट में एक बड़ा गैप बन चुका है, जिसके कारण इस साल फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत का ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट ऑलरेडी डिक्लाइन की ओर देखा गया। जहां बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के द्वारा ग्लोबल मार्केट में ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट में 21% की गिरावट देखी गई, क्योंकि भारत में गाड़ियों की डिमांड ज्यादा होने के कारण हम दूसरे देशों में डिमांड के अनुसार ऑटोमोबाइल का एक्सपोर्ट नहीं कर पाए। लेकिन अब हमारे लिए अच्छी बात यह है कि इसी मार्केट गैप को पूरा करने के लिए डेवलप्ड कंट्री अमेरिका की टेस्ला मोटर्स ऑटोमोबाइल सेक्टर में प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए इंडियन मार्केट में एंट्री मार चुकी है। और आपको बता दें कि यह कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बल्कि एलन मस्क द्वारा संचालित अमेरिका की काफी जानी मानी कंपनी है, और यह अमेरिका की पहली कार मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो साल 1956 से कार मैन्युफैक्चरिंग के मामले में अपनी क्वालिटी और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया में जानी जाती है। फिलहाल यदि इस कंपनी की भारत में प्रोडक्शन यूनिट पर ध्यान दिया जाए तो इस कंपनी ने शुरुआत में $2 से $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्लान तैयार किया है, और फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ला मोटर्स इसी महीने में भारत में इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोडक्शन यूनिट तैयार करने का डिसीजन लिया है। और वैसे भी देखा जाए तो डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों के बजाय इलेक्ट्रॉनिक कार्स और व्हीकल्स की डिमांड इस समय भारत के साथ साथ लगभग सभी देशों में बढ़ती जा रही है, जिससे ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर कंपनियां भी डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों पर कम ध्यान देते हुए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के प्रोडक्शन पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं। जहां अमेरिका की टेस्ला मोटर्स इलेक्ट्रिक कार के मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत के महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जैसे लोकेशन में ऑटोमोटिव हब बनाने जा रही है, और टेस्ला मोटर्स भारत की प्रोडक्शन यूनिट में एक साल में लगभग 5 लाख इलेक्ट्रिक कार को प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी तैयार कर रही है, जिससे इंडियन मार्केट की इलेक्ट्रिक कार डिमांड को पूरा करने के साथ साथ टेस्ला मोटर्स के द्वारा भारत में बनाई गई इलेक्ट्रिक कार को दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट किया जा सके। इसके अलावा टेस्ला मोटर्स अन्य स्थानों पर भी गीगा फैक्ट्री एस्टैब्लिश करेगी, ताकि वहां पर इन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में
इस्तेमाल होने वाली बैटरी का प्रोडक्शन किया जा सके। इसके अलावा वियतनाम की बिनफास्ट, जो कि एक ऑटोमेकर कंपनी है, वह इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के प्रोडक्शन यूनिट को भारत में सेटअप करने का मौका जनवरी के महीने से ही तलाश रही थी। उसने लगभग दो हफ्ते पहले भारत में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल प्रोडक्शन करने के लिए इंडियन मार्केट में एंट्री किया था। अगर वियतनाम की ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर कंपनी बिनफास्ट की बात की जाए, तो यह भारत में लगभग $500 मिलियन इन्वेस्ट करके तमिलनाडु में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के प्रोडक्शन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर रही है, और इस कंपनी ने एनुअली लगभग 50,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करने का टारगेट बनाया है। और देखा जाए तो इस कंपनी ने तमिलनाडु की गवर्नमेंट के साथ MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है। हालांकि वियतनाम की इस कंपनी ने अमेरिका की टेस्ला मोटर्स की अपेक्षा थोड़ा कम इन्वेस्ट किया है, लेकिन यह कंपनी भी कुछ समय बाद अपने इन्वेस्टमेंट को और भी ज्यादा बढ़ाएगी, जिसमें बिनफास्ट प्रीमियम क्वालिटी वाली इलेक्ट्रिक कार्स और स्मार्ट SUV को भारत की तमिलनाडु प्रोडक्शन यूनिट में बनाने जा रही है। यानी कि देखा जाए तो अब इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट की वैल्यू विदेशी कंपनियों को भी पता चल चुकी है, इसलिए ये कंपनियां भारत में अपने प्रोडक्शन यूनिट को सेटअप करने में तेजी से अपने कदम भारत की ओर बढ़ा रही हैं। और इन कंपनियों के द्वारा भारत में इलेक्ट्रिक कार प्रोड्यूस करने से मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की पहचान ग्लोबल मार्केट में भी बढ़ने के साथ साथ भारत को भी अच्छा खासा मुनाफा मिल सकेगा। और देखा जाए तो वैसे भी यह विदेशी कंपनियां काफी समय पहले से ही भारत में अपनी प्रोडक्शन यूनिट को सेटअप करना चाहती थी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के मामले में भारत की हाईएस्ट इंपोर्ट ड्यूटी पॉलिसी होने के कारण यह कंपनियां भारत में अपने कदम नहीं रख पा रही थीं। फिलहाल इस समय भारत को भी अपने देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रोडक्शन को बढ़ाना था, ताकि भारत की बढ़ती डिमांड को पूरा किया जा सके और दूसरे देशों में भी अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके। इसीलिए भारत ने इस पॉलिसी को चेंज करके लोअर इंपोर्ट ड्यूटी में बदल दिया, जिससे ये कंपनियां भारत में तेजी से अपनी प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करने की ओर आगे बढ़ रही हैं। अगर इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर नजर डाली जाए तो पिछले साल 96,000 पैसेंजर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भारत के लोगों द्वारा खरीदा गया, जिसमें एक साल में लगभग 200% की ग्रोथ देखने को मिली है, जबकि इस साल इसके और भी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। और भारत के लिए कमाल की बात यह है कि टेस्ला मोटर्स के भारत में आ जाने के बाद अमेरिका जैसे डेवलप्ड देश की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भारत में आने वाली है, और यहां तक कि यह कंपनी कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट भारत से ही सोर्स करने वाली है, ताकि इस कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम से कम लगे। और आपने ध्यान दिया हो तो यह कंपनी भारत के महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जैसे स्टेट में ऐसी जगह तलाश रही है जहां पर बंदरगाह मौजूद है। यानी कि यह कंपनी दूसरे देशों में इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपोर्ट करने के प्लान से भारत में अपने कदम को आगे रख रही है, और इससे न सिर्फ इस कंपनी को फायदा होगा, बल्कि इससे भारत में भी एक बहुत बड़े फॉरेन रेवेन्यू को एंट्री करने का मौका मिल सकेगा। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में बताइए कि अमेरिका की टेस्ला कंपनी भारत में आ जाने से भारत का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक्सपोर्ट दूसरे देशों में बढ़ने वाला है या नहीं, और अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्रीज की कंपनियां भारत में प्रोडक्शन यूनिट सेटअप कर रही हैं, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।